ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मंत्र जप दो तरह से किया जाता है। एक तो वो मंत्र जप होता है जिसे आप बिना संकल्प लिए अपनी पूजा के समय जपते हैं। जैसे आप सुबह की पूजा करते हैं तो मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र जप की कोई गिनती नहीं रहती है। कभी कभी आप गिनती के रूप में भी करते हैं, जैसे एक माला कर ली या दो माला कर ली। इसी तरह से आप शाम की जब पूजा करते हैं तो उस समय भी मंत्र जप करते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह ही मंत्र जप करते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो दोनों समय मंत्र जप करते हैं। तो एक ये हो गया मंत्र जप, इसे लगातार मंत्र जप करना कहते हैं, नित्य मंत्र जप करना कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि आप रोज़ मंत्र जपते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है साधना के रूप में मंत्र जपना। साधना का अर्थ होता है कि आप कोई विशेष सिद्धि पाना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि पाना चाहते हैं। कम समय में उस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसे साधना के रूप में जपते हैं। कि आपने 21 दिन की साधना का संकल्प ले लिया कि आप इतने मंत्र जपेंगे या इस तरह से जपेंगे या इतनी मालाएं करेंगे, वो साधना के रूप में आपने संकल्प ले लिया कि आप इतने मंत्रों का जप करके इसकी सिद्धि कर लेंगे या इससे कोई विशेष लाभ ले लेंगे। तो ये हो गया। तो दो तरह से मंत्र जप हो जाता है। अब बात ये आती है कि जो मंत्र जप आप नित्य करते हैं, लगातार करते हैं, रोज करते हैं, तो क्या उन मंत्रों में शक्ति नहीं आती? क्या वो मंत्र जागृत नहीं होते हैं? जब आप नित्य मंत्र जप करते हैं, लगातार मंत्र जप करते हैं, तो उन मंत्रों में भी शक्ति आना शुरू हो जाती है, वो मंत्र भी जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जबकि आप साधना करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे नियम लगाते हैं, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप कम बोलते हैं, साधना के दिनों में एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह पर साधना करते हैं, तो कई चीज़ें आप साथ में करते हैं। उसके बाद दशांश हवन भी करते हैं जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, फिर तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है या आपको उस मंत्र की सिद्धि मिल जाती है। देखिए, सिद्धि मिलना इतना आसान नहीं होता है। जैसे आप ये मत सोचिए कि आपने कभी कुछ किया नहीं, कभी पूजा पाठ मंत्र जप नहीं किया है और आप 21 दिन का संकल्प लेके बैठ जाएंगे और मंत्र सिद्ध कर लेंगे। बहुत ही कम चांस होंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, क्योंकि आपका जो तपोबल होता है वो बढ़ा हुआ नहीं होता है। जब तपोबल बढ़ा हुआ नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता कि खाली आप मंत्र बोलते रहें और सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मंत्र में हमको खोना पड़ता है, मंत्र में हमको अपनी ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा दोनों एक हो जाती है, तब मंत्र सिद्ध होता है। तो जब मंत्र में आप खो जाएंगे और मंत्र करते करते, मंत्र जपते जपते आपका तपोबल बढ़ जाएगा और आप उस शक्ति से जुड़ने लगेंगे जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जिस शक्ति के आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो उस शक्ति का जब आशीर्वाद आपको मिलने लगता है, वही एक सिद्धि के रूप में कार्य करता है। तो जो मंत्र जप होता है वो ऐसे सिद्ध नहीं होता है। मंत्र जप के लिए बहुत सारा आपको प्रयास करना पड़ता है, बहुत दिन तक लगातार आपको मंत्र जप करने पड़ते हैं और ये समय सालों तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सोचो कि आप 11 दिन में कोई सिद्धि पालोगे, 21 दिन में कोई सिद्धि पालोगे। ये उनके लिए होता है जो बहुत दिनों से मंत्र जप में लगे पड़े हैं, पता नहीं कितने सालों से उन्होंने तपस्या कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं या लगातार मंत्र जप कर रहे हैं, तो उनका तपोबल बढ़ चुका होता है। तो ऐसे में उन्हें कई सिद्धियां भी मिल चुकी होती हैं, तो उनके लिए ये साधनाएं होती हैं। जैसे 11 दिन में एक साधना कोई ले लिया और उन्होंने ये वाला मंत्र भी सिद्ध कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने 21 दिन की कोई संकल्प ले लिया कि फिर ये वाला मंत्र भी सिद्ध कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उन व्यक्तियों के लिए होती हैं जिन्होंने सिद्धियां ले रखी हैं कुछ, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा जप कर रखा, जिनका तपोबल बहुत ऊंचे लेवल का हो चुका है, उनके लिए साधनाएं मायने रखती है। लेकिन जैसे साधारण व्यक्ति जो होता है, अगर वो चाहे कि हम 11 दिनों में कोई मंत्र सिद्ध कर लेंगे, तो बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा हो पाए, क्योंकि तपोबल नहीं होता है, तपोबल नहीं बढ़ा हुआ होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी सिद्धि को बहुत जिज्ञासावश करने के लिए सोचते हैं तो बहुत
सारी चीज़ें उसमें हम गलत भी कर देते हैं। जैसे हम मंत्र जप करते हैं तो बहुत तेज़ी तेज़ी मंत्र जल्दी जल्दी मंत्र जप करते हैं, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा जप करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फिर आप पूरा ध्यान खाली इस बात में लगा रहते हैं कि अरे माला पूरी हुई कि नहीं हुई, और जल्दी सुमेरु आया कि नहीं आया, बस उठना है, मतलब आप बैठ नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको आसन में साधना में बैठना आना चाहिए, समय देना चाहिए आपको। आप एक दो घंटे बैठे रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से आपका शरीर हो जाना चाहिए, तब आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो नित्य मंत्र जपते हैं आप, रोज़ अगर मंत्र जपते हैं तो वो मंत्र भी जागृत हो जाता है, लेकिन उसके जागृत होने में समय लगता है। जैसे आप 4-5 सालों से कोई नित्य मंत्र जपते जा रहे हैं तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो मंत्र जो है जागृत हो जाता है, वो बिना आपके हवन के जागृत हो जाता है, बिना दशांश हवन के जागृत हो जाता है, बिना तर्पण मांजन के जागृत हो जाता है, जबकि आपने उसमें कोई नियम भी पालन नहीं किया था, ब्रह्मचर्य वगैरह का भी नियम कोई पालन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो जागृत हो जाता है, क्योंकि आप उसे लगातार जपते हैं, नित्य जपते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप लगातार करते हैं, जैसे मंत्र है, अगर आप लगातार उसे जपते रहते हैं तो वो सिद्धि की ओर बढ़ने लगता है। उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको मिलने लगती है। जब उस मंत्र की ऊर्जा आपको मिलने लगती है तो आप अपने जीवन में, अपने भविष्य में जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। जैसे आप कोई किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका भविष्य सुधर जाता है, आप आगे जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। वो जो सोचने की शक्ति होती है उसी मंत्र की ऊर्जा से ही आती है। बोलते हैं ना, ज़िंदगी में अगर कोई सही डिसीजन ले ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो सही डिसीजन लेने का जो एक ताकत होती है, या सही डिसीजन लेने की जो एक शक्ति होती है, या एक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो डेवलप हो जाती है आपके अंदर जब आप लगातार मंत्रों का जप करते हैं, लगातार मंत्रों में लगे रहते हैं, लगातार अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो आपके अंदर एक शक्ति डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आप सही निर्णय ले पाते हैं। और जीवन में जब आप सही निर्णय ले पाएंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप मंत्रों का जप भी करते हैं, तो आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाएगी कि आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आपका जीवन या आपका भविष्य सुधर जाएगा। आप उस बिजनेस से बहुत ज़्यादा कमाने लगेंगे, या आप किसी कहीं नौकरी में हैं तो आप प्रमोशन पा लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं अगर आप नित्य मंत्र जप करते हैं, लगातार मंत्र जप करते हैं। साधनाएं भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे आप साधनाओं के लिए संकल्प लेके साधनाएं भी कर सकते हैं बीच बीच में, जब आपको लगता है कि आप साधना लायक हो गए, आप लगातार बैठ सकते हैं तो मंत्र जप कर सकते हैं आप। और साधनाओं में जो मंत्र जप होते हैं उनमें थोड़ा सा नियमों का पालन करना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनकी वजह से वो जो उससे जुड़े हुए देवी देवता होते हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि वो नियमों को पालन करने का अर्थ ये हो जाता है कि आप तपस्या कर रहे हैं। आप किसी भी देवी देवता के लिए अगर जब तपस्या करते हैं तो वो वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं, और आपकी जो तपस्या होती है अगर वो आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन को भी बदल देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, अवश्य होती हैं। जब आप लगातार मंत्र जप करेंगे तो ये सारे अनुभव आपको होने भी लगेंगे, आपको ये सारी चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी, आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब लगातार इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो आपका मार्गदर्शन खुद होने लगेगा। वो मंत्र ही आपका मार्गदर्शन करेगा कि आप किस तरह से जपिए, आपको कितना संकल्प लेना चाहिए, आप कितने मंत्र जप सकते हैं, या वो मंत्र जिनको आप जपना चाहते हैं, जो आपका जीवन बदल सकते, वो अपने आप ही आपके पास में आने लगेंगे, कभी स्वप्न के माध्यम से या कभी किसी भी रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होने लगी। ये चमत्कार उसी मंत्र जप से होता है जिसे आप नित्य करते हैं, नित्य जपते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगती है। लेकिन ये सब कुछ एक हफ्ते में घटित नहीं होगा, हो सकता है कि एक महीने में भी घटित ना हो, हो सकता है कि 6 महीने में भी घटित ना हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस मन से, किस श्रद्धा भाव से मंत्रों को जपते हैं और कितना जपते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मंत्र जपने के बाद में आपको मिलना शुरू हो जाती हैं।
और यही एक बात होती है कि जब आप लगातार किसी मंत्र को जपते हैं तो वो सिद्धि की ओर बढ़ जाता है, जागृत हो जाता है, और जागृत होने के बाद में अपने शुभ परिणाम या शुभ फल आपको देना शुरू कर देता है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।